सो ही गाइज वंस अगेन वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स फटाफट से देख लेते हैं कुछ शाउट आउट्स। सो फ्रेंड्स कल की वीडियो पे अराउंड 1000 कमेंट्स थे। सो फ्रेंड्स आपको भी अपना कमेंट्स नेक्स्ट वीडियो में चाहिए तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल ज़रूर से ऑन कर देना। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं और बनाते हैं आज डबल साइडेड टेप जो कि ऑडी का है। तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे इस पर कल की वीडियो पर, अराउंड 500 कमेंट्स। आप यकीन नहीं करोगे सिर्फ कि ऑडी टेप चाहिए आप लोगों को होममेड। तो मैंने अपना बेस्ट दी हूँ, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले वाइट शीट ले लिए हैं और उसकी स्ट्रिप्स काट लो। नेक्स्ट आपको सेलो टेप लेना है। मैंने ये मीडियम साइज़ का सेलो टेप ली हूँ, एक बिग साइज़ का था एक एकदम स्मॉल, तो ये मीडियम साइज़ का है। फ्रेंड्स करना क्या है आपको कि डायरेक्टली आपको नीचे फ्लोर पे किसी शाइनी सरफेस पे आपको ऐसे सेलो टेप चिपका देना है। एंड ये स्ट्रिप्स के नाप से मैं बना रही हूँ इसलिए, नहीं तो इसका भी कोई काम नहीं है। तो बस देखिए कुछ इस तरीके से आपको ऊपर साइड से उठाना है एंड इसको हाफ हाफ सेलो टेप को फोल्ड कर देना है। देखिए मैं ये स्ट्रिप के नाप का बना रही हूँ इसलिए मैं इसको बस इसके साइज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए आपको ऐसे डबल फोल्ड कर देना है एंड अब आप इसको उठाकर और इसको जैसे राउंड फोल्ड कर दो। जैसे देखिए मैं अभी आपको बताती हूँ, ये बैक साइड से आपको राउंड फोल्ड कर देना है ताकि एक दूसरे पर चिपक जाए दोनों तरफ से। देखिए कुछ इस तरीके से राउंड राउंड आपको जस्ट फोल्ड करते जाना है। ये देखिए तो अब ये ऐसा बन गया है कि ये बैक साइड भी स्टिकीनेस है इसकी और फ्रंट साइड पर भी। एंड अब आपको लेना है कोई भी सिल्की शाइनी पेपर, तो मैं बटर पेपर भी आप यूज़ कर सकते हो लेकिन मैं भी यहाँ नहीं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज बहुत लोगों के पास नहीं होता है। तो ये चिप्स के रैपर्स है, वेस्ट चिप्स के रैपर्स है, आपको ये ले लेना है। एंड जो हमने डबल साइडेड सेलो टेप बनाए थे उसको यहाँ पर डायरेक्टली आपको स्टिक कर देना है। देखिए छोटा पड़ गया था इसलिए मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर लगा दी हूँ और कुछ इस तरीके से आपको काट के एक स्ट्रिप्स जैसा बना लेना है। देखिए मैंने एक और एक ऐसे बना ली हूँ। अब कुछ भी आपको लेना है, जैसे कुछ भी टेप रोल के लिए हमको लेना है तो टेप रोल फिलहाल अभी मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर मैं शेविंग फोम का जो टॉपर था उसका यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई एम्प्टी टेप रोल रहेगा तो आप वो भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स आप ये मेथड का यूज़ करके आप अपने घर पे ही बहुत इजीली डबल साइडेड टेप बना सकते हो, जो कि मैं यूजुअली अपने वीडियो में यूज़ करती हूँ वो ऑडी का टेप होता है। तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट थी कि आप वो घर पे बनाओ बिकॉज लॉकडाउन है और बाहर जाके टेप ला नहीं सकते हो भी डबल साइडेड टेप। सो फ्रेंड्स आपको कुछ ऐसे आपको फ्लोर पे रखे इसको रोल रोल करना है ताकि अच्छे से एकदम फ्लैट हो जाए। तो ये देखिए ये था वो ओरिजिनल जो ऑडी का टेप है और ये हमारा होममेड। तो फ्रेंड्स हमारा टेप तैयार है, तो चलिए अभी हम लोग टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये ऑडी का टेप ले रही हूँ। तो ये देखिए हम कैसे ऑडी का टेप स्टिक करते हैं, उसके ऊपर जस्ट पील ऑफ करते हैं और ये रेडी टू यूज़ रहता है, यानी बैक साइड भी स्टिकीनेस रहती है इसकी, फ्रंट साइड भी, तो आप आराम से कोई भी लेबलिंग कर सकते हो। तो चलिए अब होममेड टेप भी लगा के देखते हैं, उसी के नीचे लगा के देखते हैं। तो देखिए होममेड टेप भी सेम आप जैसे ऑडी का टेप लगाते हो वैसे आपको लगाना है। एंड कैसे आपने ऑडी के टेप में इसका पील ऑफ किया था ऊपर का जो आउटर कवर, तो इसमें भी जैसा आप ऐसे पील ऑफ करोगे तो देखिए एकदम सेम वैसे ही लग रहा है। देखिए दोनों में कुछ भी फ़र्क नहीं लग रहा है और दोनों ही डबल साइडेड टेप का काम देगा, ये देखिए सेम वैसे ही। तो चलिए अब मैंने यहाँ पे कुछ वाइट स्ट्रिप्स ले ली हूँ जो हम लोग ने पहले यहाँ कट किए थे, तो उसे चिपका के हम यहाँ पर लेबल बना के देखते हैं। जैसे डबल साइडेड टेप ज़्यादा करके लेबल बनाने में बहुत काम आता है। तो जैसे अभी देखिए हम लोग ये शेविंग फोम की बॉटल थी तो हम लोग यहाँ पे शेविंग फोम का लेबल बना के देखते हैं। तो देखिए दोनों ही कितने अच्छे से और कितने फॉर्मली इस पर स्टिक हो गया है, जैसे ओरिजिनल वाला टेप था वैसे ही हमारा होममेड टेप ने भी वैसे ही काम किया, सेम वैसे ही। और आपको कुछ लगा भी नहीं, सेलो टेप तो यूजुअली सबके पास होता ही है, तो बस सेलो टेप लगेगा आपको उसके लिए और जस्ट कुछ स्ट्रिप्स नापने के लिए एंड कुछ रैपर्स। तो देखिए हमने कितने अच्छे से ये लेबल बना दिया शेविंग फोम का, और ये बॉटल एम्प्टी थी तो मैं इसे टेप डिस्पेंसर के तौर पर यूज़ कर सकती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा बन गया हमारा होममेड टेप। तो कैसा लगा हमारा ये होममेड ऑडी टेप, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और इस वीडियो को लाइक प्लीज़ करना। ओके बाय।